जब पहली बार सुना WWE का पे पर व्यू डे वन तो नाम सुन के ऐसा लगा कि कोई फालतू का पे पर व्यू WWE करवाएगी। पर साल 2022 का पहला पे पर व्यू डे वन पे पर व्यू अब WWE का ट्रेडिशनली पांचवा सबसे बड़ा पे पर व्यू बनेगा साल का। हर साल हमें डे वन पे पर व्यू देखने को मिलेगा और इस साल के डे वन पे पर व्यू पे हमें कई शॉकिंग टाइटल चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं डेट और टाइम की। ये पे पर व्यू हमें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग 2 जनवरी 2022 सुबह 6:30 बजे से देखने को मिलेगा। इस पे पर व्यू पे हमें कई बड़े मैचेस देखने को मिलेंगे, जहां पे 8 से 9 टोटल मैचेस हमें इस पे पर व्यू पे देखने को मिल सकते हैं। हमारे पास मैच कार्ड में सबसे बड़े मैच में से है WWE चैंपियनशिप मैच, जो कि एक ट्रिपल थ्रेट मैच नहीं फेडल फोर वे मैच होगा। दोस्तों हमें बिग ई, जो करंट WWE चैंपियन है, अपने चैंपियनशिप को सेथ रोलिंग्स, केविन ओवंस एंड बॉबी लेशली के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखेंगे। बिग ई ने चैंपियनशिप बॉबी लेशली से ही जीती थी। सेथ रोलिंग्स नंबर वन कंटेंडर बने। केविन ओवंस को इस मैच में इसलिए ऐड करा कि जो भी इस मैच को जीते वो केविन ओवंस को पिन कर सकता है, क्योंकि वैसे भी जनवरी 2022 में केविन ओवंस का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा और वो WWE को छोड़ के जा सकते हैं। दोस्तों इस मैच में मेरी प्रिडिक्शन कहती है कि हमें बिग ई सेथ रोलिंग्स, केविन ओवंस और बॉबी लेशली को हरा के अपने WWE चैंपियनशिप को रिटेन करेंगे, क्योंकि इसके बाद हमें बिग ई वर्सेस सेथ रोलिंग्स की राइवलरी कंटिन्यू होती हुई दिखेगी रॉयल रंबल 2022 तक। इसके बाद दोस्तों हमें मैच कार्ड में देखने को मिलेगा रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप मैच बेकी लिंच वर्सेस लिव मॉर्गन के बीच में। लिव मॉर्गन वर्सेस बेकी लिंच के बीच में ऑलरेडी एक बार मैच हो चुका है। मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे बेकी लिंच ने चीटिंग करके लिव मॉर्गन को हराया था। इस मैच में दोस्तों हमें बेकी लिंच अपनी रॉ की वुमेन्स चैंपियनशिप को फिर से रिटेन करते हुए दिखेंगी और रेसलमेनिया 38 पे ही अपनी चैंपियनशिप को ड्रॉप करेंगी। इसके अलावा दोस्तों हमें मैच कार्ड में एक बेहद एक्साइटिंग मैच देखने को मिलेगा रेटेड आर सुपरस्टार एच वर्सेस द मिस के बीच में। इन दोनों के बीच में मैच होने का रीजन है ओल्ड वर्सेस यंग सुपरस्टार। अब कोई मिस तो वैसे यंग सुपरस्टार नहीं रहे, पर मिस का कहना है कि रेटेड आर सुपरस्टार एच में अब वो दम नहीं रहा और रेटेड आर सुपरस्टार एच अब सॉफ्ट हो चुके। साथ में मिस का कहना है कि रेटेड आर सुपरस्टार एच ने उनकी मदद भी कभी नहीं करी। दोस्तों एच वर्सेस द मिस के मैच में हमें क्लियर कट विनर दिख रहा है कि रेटेड आर सुपरस्टार एच डे वन पे पर व्यू पे एक जीत हासिल करेंगे। अगर एक बड़ी शॉकिंग हमें यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखा तो मरीज की इंटरफेरेंस की वजह से मिस ये मैच जीत सकते हैं, पर मेरी प्रेडिक्शन रेटेड आर सुपरस्टार एच के साथ ही रहेगी। इसके अलावा दोस्तों फिन बैलर वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच में भी हमें डे वन पे पर व्यू पे मैच देखने को मिल सकता है। वैसे ये मैच हमें मंडे नाइट रॉ पे ही होता हुआ दिख सकता है, पर विंस मैकमैन रिसेंटली ऑस्टिन थ्योरी को एक बड़ा पुश देना चाहते हैं, इसीलिए डे वन पे पर व्यू पे एक मैच ऑस्टिन थ्योरी को भी मिल सकता है और ये मैच होगा फिन बेलर के खिलाफ। दोस्तों फिन बेलर एक ऐसा सुपरस्टार है जिसे बड़ा सुपरस्टार होना चाहिए था, जिसे बड़ा पुश मंडे नाइट रॉ पे मिलना चाहिए था, पर WWE फिन बेलर की वैल्यू नहीं करता, इसीलिए ऑस्टिन थ्योरी जो रिसेंटली विंस मैकमैन के फेवरेट नए सुपरस्टार बनते जा रहे हैं, हमें फिन बेलर को हरा के डे वन पे पर व्यू पे जीत हासिल करते हुए दिखेंगे। अगला मैच डे वन पे पर व्यू के मैच कार्ड में हो सकता है कॉर्पोरेट सोनिया डेविल, नटालिया और शेना बेसलर वर्सेस नायोमी जायाली और शाशा बैंक्स के बीच में। ये एक 3 vs 3 टैग टीम मैच हो सकता है। इस मैच को इंक्लूड करने का रीजन है कि डे वन पे पर व्यू पे काफी स्टार पावर्स इस मैच से मिलेगी, जैसे शाशा बैंक, सोनिया डेविल इस वक्त बड़े सुपरस्टार हैं और साथ में जायाली एक यंग सुपरस्टार हैं। हमें यहाँ पे नायोमी जायाली और शाशा बैंक्स
कॉर्पोरेट सोनिया टेवल, नटाली और शेना बेसलर को हरा के एक टीम में जीत हासिल करती हुई दिख सकती हैं। हमें यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच भी देखने को मिल सकता है, जहां पे डेमिन प्रीस्ट टॉफ सिगलर को एक सिंगल्स मैच में फेस करते हुए दिख सकते हैं। दोस्तों, टॉफ सिगलर का टाइम अब कभी नहीं आएगा, ऐसा ही लगता है उनकी बुकिंग देख के। इसीलिए इस मैच में हमें डेमिन प्रीस्ट टॉफ सिगलर को हरा के अपनी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को रिटेन करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच शार्लेट फ्लेयर वर्सेस टोनी स्टॉर्म के बीच में देखने को मिलेगा। रिसेंटली टोनी स्टॉर्म पे WWE ने काफी ज्यादा विश्वास दिखाया है और NXT से सीधा फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में लाके शार्लेट फ्लेयर से भिड़ा दिया। दोस्तों, हमें यहाँ पे इस मैच में कोई बड़ा उलटफेर होता हुआ तो नहीं दिखेगा। शार्लेट फ्लेयर टोनी स्टॉर्म को हरा के स्मैकडाउन की वुमेन्स चैंपियनशिप को रिटेन करती भी दिखेंगी। पर दोस्तों, हमें स्मैकडाउन के टैग टीम चैंपियनशिप मैच में द उसोस अपनी स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप द न्यू डे के खिलाफ हारते हुए दिख सकते हैं। ये रीसेंट रूमर्स हैं। इसके पीछे का रीजन भी है कि अब हमें न्यू डे, जहां पे जेवियर वुड ऑलरेडी किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जीत चुके हैं, यहां पे चैंपियनशिप जीत सकते हैं और रेसलमेनिया 38 तक कैरी कर सकते हैं। हमें ड्रू मैकइंटायर वर्सेस एडम पियर्स के बीच में भी एक फ्यूड स्मैकडाउन में देखने को मिल रहा है। पर डे वन पेपर व्यू पे एडम पियर्स ड्रू मैकइंटायर से खुद नहीं भिड़ेंगे, बल्कि उनका बॉडी गार्ड ड्रू मैकइंटायर से भिड़ सकता है। रिसेंटली हमने बात सुनी थी कि WWE एक बहुत बड़ा फैक्शन एडम पियर्स के लिए बनाना चाहता है। उन्हीं में से कोई एक सुपरस्टार एडम पियर्स की तरफ से ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ हमें WWE डे वन पेपर व्यू पे भिड़ता हुआ दिख सकता है, जहां पे एडम पियर्स का बंदा ड्रू मैकइंटायर से हार जाएगा। दोस्तों, हमें रॉकी टैग टीम चैंपियनशिप का मैच भी डे वन पेपर व्यू पे देखने को मिलेगा, जहां पे आरके ब्रो रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो से भिड़ते हुए दिखेंगे। इस मैच को करवाने का सबसे बड़ा लॉजिकल रीजन है कि रे मिस्टीरियो डोमिनिक मिस्टीरियो की टीम फिर से आरके ब्रो के खिलाफ हारेगी, जिसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि वो रे मिस्टीरियो पे ही अटैक कर देंगे, जिसके बाद रे मिस्टीरियो डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में ब्रेकअप हमें टेबल पेपर व्यू पे देखने को मिल सकता है, जिसके बाद हमें बाप बेटे का मैच रेसलमेनिया 38 पे देखने को मिलेगा। यानी कि इस मैच का विनर हमें आरके ब्रो ही देखने को मिलेंगे। पर डे वन पेपर व्यू का मेन इवेंट है हमेशा की तरह यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रिंग्स भिड़ेंगे अपने आर्च राइवल ब्रॉक लेसनर के खिलाफ। दोस्तों, यहाँ पे सैमी जैन का भी इंक्लूड करा जाना बिल्कुल बनता है, पर अभी के लिए ऑफिशियल मैच ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंग्स का ही है। इसीलिए दोस्तों, इस मैच में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट WWE प्लान कर रही है। इसीलिए दोस्तों, यहाँ पे एक ऐसा मैच रिजल्ट आएगा जो सबको हिला के रख सकता है। रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पॉल हेमन फाइनली ब्रॉक लेसनर का साथ इस पेपर व्यू पे देते हुए दिख सकते हैं टेबल पेपर व्यू पे, जिसके बाद हमें रोमन रिंग्स अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप ब्रॉक लेसनर से डे वन पेपर व्यू पे हारते हुए दिख सकते हैं। पर मेरी प्रेडिक्शन ये नहीं कहती, मेरा मानना है कि पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर को ही डबल क्रॉस करेंगे और रोमन रिंग्स इसी डबल क्रॉस की वजह से ब्रॉक लेसनर को डे वन पेपर व्यू पे हराएंगे और अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन करेंगे। ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रिंग्स के बीच में रेसलमेनिया 38 पे फिर से मैच देखने को मिलेगा। शायद वहीं पे रोमन रिंग्स ब्रॉक लेसनर के खिलाफ अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को ड्रॉप कर सकते हैं। पर डे वन पेपर व्यू पे मेरी प्रेडिक्शन कहती है कि रोमन रिंग्स ब्रॉक लेसनर को हरा के फिर से अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन करेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रिंग्स के बीच में डे वन पेपर व्यू पे कौन जीतेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।